हेलो गाइस, वी आर बैक टू द अनदर वीडियो। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है। चलो फिर चलते हैं कुछ हसीन लम्हों में विद सम लिटिल स्टोरी। एंड इस स्टोरी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, कृपया करके इसे अपने जोखिम पर ही सुनना। कमजोर दिलवाने भी इसे सुन सकते हैं, डोंट वरी। स्टोरी पर आने से पहले मैं कुछ मटेरियल के बारे में बता देता हूँ। पहले वी विल टेक कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, ब्लैक एंड टाइटेनियम वाइट। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी पर। मिस्टीरियस शिप इन स्टॉर्म, ओके। एंड जो भी है, मैं आर्ट से रिलेटेड जो भी चल रहा होगा वो आप एंटरटेन होइए, एंजॉय करिए और फुल्ली मज़ा लीजिए इस आर्ट का, ठीक है। और बाकी मेरी स्टोरी को सुनते रहिए ताकि आपको एंटरटेन होते रहेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, दैट्स व्हाई, ठीक है। यू नो दैट के जहाज़ों के किस्से दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हैं, और कोई अपनी खूबियों की वजह से तो कोई अपने रहस्यमय जो पावर होती है उनकी वजह से मशहूर रहते हैं, ओके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वैसे ही कोई एक मिस्टीरियस जहाज है, उसके बारे में मैं कुछ कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसे बस सुनिए, और मतलब अगर जोखिम लेना है आपको इसको सुन के तो सुन सकते हैं, अदरवाइज़ म्यूट करके भी आप आर्ट का एंटरटेन ले सकते हैं, मैंने बाकी दे रखा उसके अंदर, ओके। तो ये एक बात है, ये घटना है जो साल 1947 के जून महीने में बीती थी, ओके। और ये अनोखी घटना है जो अभी तक अनसुलझी रही है लाइफ में। अभी तक इसका कोई भी इसका पक्का सबूत नहीं मिला है कि हुआ क्या है, ठीक है, इस जहाज के साथ, जो भी ये कहानी है ये मिस्टीरियस जहाज की, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी इसके अंदर जो मिस्टीरियस चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, ओके, जो वहाँ के क्रू मेंबर्स थे या अनदर जो भी क्रू मेंबर्स थे उन्होंने जो भी देखा समझा, ठीक है, उस टाइम पे, तो उन्होंने जो बताया तो ये सबके लिए एक चौंकाने वाली बात थी, ठीक है। तो जो बात है ये साल 1947 के जून महीने की है। उस समय एक मलक्का की खाड़ी हुई करती थी, जो अभी भी है शायद, मलक्का की खाड़ी में एक मौजूदा व्यापारिक मार्ग था, ओके। वहाँ से सारे समुद्री जहाज गुजरते रहते थे, हर टाइम आना जाना होता ही रहता था। अचानक एक बार की बात है, उस दिन ऐसा हुआ कि उसी दौरान एक SOS मैसेज आया। SOS बता देता हूँ मैं क्या होता है, एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो इमरजेंसी के टाइम पर ही हम जो जहाज होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं संपर्क, ओके। तो अचानक से दूसरे जहाज़ों के पास एक इमरजेंसी मैसेज पहुँचा, SOS पहुँचा, कि जब मैसेज पहुँचा तो मैसेज देखकर सारे क्रू सदस्य है ना, जो भी दूसरे जहाज़ों के जो क्रू मेंबर्स थे वो सारे शॉक हो गए, ठीक है, चौंक गए कि ये मैसेज ऐसा क्या आ गया है। क्योंकि उस मैसेज के अंदर ये था कि उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि सारे जितने भी क्रू सदस्य थे उस जहाज के, जो मिस्टीरियस जहाज के, उन सबकी भी मौत हो चुकी है। दरअसल ये जो SOS मैसेज जो था वो एक मतलब एक मिस्टीरियस ही था, समझ लो उस टाइम पे, कि एकदम से ऐसे मैसेज आना कि सारे सदस्यों की मौत हो गई है, वाओ ये तो शॉकिंग है हर एक के लिए। तो उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए जो आसपास के जो भी जहाज थे, ठीक है, तो वो सारे के सारे उस मिस्टीरियस जहाज की तरफ बढ़े। और वहाँ पे जब देखा गया कि यार ये तो ऐसा है कि यहाँ पे तो सारे सदस्य अभी मरे हुए हैं, ओके, और ऐसा मैसेज आया है हमारे पास, तो सभी ने तय किया कि इसके अंदर एक बारी जाके देखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी का मैसेज आया है तो ऑब्वियसली बात है चेक तो करना बनता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सारे जो भी क्रू मेंबर्स थे जो दूसरे जहाज़ों के, वो उधर पहुँचे और उसके अंदर गए, और जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो उनकी आंखें पहली बात तो फटी की फटी रह गई कि ऐसा हुआ क्या है और ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा कैसे हो गया, ओके। जब उन्होंने देखा, और ये सीरियसली शॉक करने वाली बात थी उस टाइम पे उनके लिए, जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि
जितने भी लोग थे वहाँ के जो मिस्टीरियस जहाज पे रहे होंगे, सारे के सारे मरे पड़े थे। सबकी लाशें ऐसे पड़ी हुई थी इधर उधर कि जहाँ पे भी नज़र जा रही उधर एक लाश पड़ी हुई थी। ओके, और उसको देख के सारे शॉक थे कि भाई हुआ क्या है। अभी भी उनके माइंड में यही चल रहा है कि ऐसा क्या हो गया। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि उनके लिए जब उन्होंने देखा कि जो उनको जब चेक किया गया, जब उनकी बॉडीज़ को चेक किया गया सबकी, तो उनको जब देखा और एनालाइज किया तो उनसे ये निकला, उससे और भी ज़्यादा वो डर गए कि इनकी बॉडी पर कोई भी एक निशान नहीं है, जख्म नहीं है, चोट नहीं है, और जिसकी वजह से वो पता लगा सकें कि यार हुआ तो हुआ क्या है, इनको किसी ने मार दिया है या कुछ हो गया है, या समुंदर में ही कुछ ऐसा आ गया है, कुछ ऐसा हमला हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल वे में बॉडी पड़ी हुई थी और बस मरी हुई थी, सिंपल। तब उनको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ है इधर इस जहाज के अंदर जो कि एक शॉकिंग रहा है, ठीक है। तब जो सारे जो क्रू मेंबर्स थे तो उन्होंने क्या सोचा कि उधर अंदर एक बारी चेक करते हैं कि इस मिस्टीरियस जहाज में और क्या चीज़ है, क्या है इसके अंदर। तो सारा चेक किया गया अच्छे से। जब अंदर गए, जब अंदर पूरा चेक किया तो देखा कि हाँ यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। अभी भी चेक करते करते भी जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वहाँ पे एक लाश मिल रही, जहाँ भी चेक कर रहे हैं वहीं पे एक लाश मिल रही। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और डरा देने वाला था। तो कुछ एक आध तो क्रू मेंबर्स थे जो डर के मारे वापस ही लौट गए कि हमें नहीं चेक करना है इधर, हम तो जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ मेंबर्स थे उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि हुआ तो हुआ क्या है इनके साथ। तो उन्होंने क्या करा कि आगे जब चेक करते करते वो बॉयलर सेक्शन के अंदर गए। तो बॉयलर सेक्शन में बता देता हूँ क्या चीज़ है। वो एक टाइप का गर्म प्लेस होता है जहाजों के अंदर जिसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। ओके, मान के चलो कि 100 डिग्री सेल्सियस से अबव रहेगा उनका टेम्परेचर उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके अंदर जब गए सारे के सारे जितने भी जो बचे हुए थे क्रू मेंबर्स जो चेक कर रहे थे, वो गए जब अंदर तो उनको उन्होंने जब देखा, उन्होंने जब फील किया अंदर जाके, तो उनको ठंड लगने लग गई। ये एक शॉकिंग अलग ही न्यूज़ थी उनके लिए, ये ऑर्डर आ देने वाला था कि क्योंकि जो बॉयलर सेक्शन होता है उसका टेम्परेचर ही 100 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, तो ऐसे में उनको ठंड कैसे लग सकती है, ये सोच सोच के वो पागल हो रहे थे। और एकदम से उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टीरियस पावर है, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रही, बस फील हो रही है। और शायद उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये हमारे साथ ना हो जाए तो हमें यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने भाई पहले तो चेक कर लिया बॉयलर सेक्शन को भी, बॉयलर सेक्शन में भी उनको एक शॉकिंग न्यूज़ ही मिली थी, शॉकिंग फीलनेस मिली थी जो भी था उस टाइम पे जो रहा उनको। तो उन्होंने तुरंत एक फ़ैसला लिया कि अब हमें जाना चाहिए, अब नहीं रुका जाएगा यहाँ पे बिल्कुल भी। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने जब प्लान किया निकलने का तो एकदम से उधर धुआं निकलने लग गया, ठीक है। जब धुआं निकला तो वो कुछ मेंबर्स तो ऐसे हो गए थे जैसे कि ये क्या हो गया, अब तो हम गए, अब हम भी इधर लाश बन के मरेंगे और यहाँ पे पड़े रहेंगे, और फिर दूसरे क्रू मेंबर्स आएंगे और चेक करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो एक दूसरे से डिस्कस करने लग गए, और डिस्कस करते 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 वो भागते रहे कि हमें हम जल्दी से जल्दी हम अपने जहाज पे पहुँचना है किसी भी तरीके से अब। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ कि धुआं तो निकला लेकिन वो आधे से ज़्यादा मेंबर्स, क्रू मेंबर्स पहुंच गए उधर अपने जहाज पे। कुछ एक आध थे जो बच गए थे उसके अंदर, जो नहीं पहुंच पाए अपने जहाज पे वापस, जो एक आध थे, ठीक है, जो पहुंच गए वो तो ऑब्वियसली बात है सेफ हो ही गए थे। तो क्या हुआ, अचानक से उस जहाज के अंदर, मिस्टीरियस जहाज जो था उसके अंदर लग गई आग।
अचानक पता नहीं कैसे कहाँ से क्या क्या हो रहा है क्या नहीं है, धुआं निकल रहा है अचानक, इतनी सारी लाशें पड़ी हुई हैं और एकदम से आग लग रही है। ठीक है, तो जो दूर जो जहाज पे जब वो पहुंच गए थे अपने उस पे, तो वहाँ से जब देख रहे तो एकदम से आग, एकदम से विस्फोट टाइप, बॉम्ब टाइप धमाका हुआ उसके अंदर, और मतलब पूरा जहाज ऐसे आग के अंदर वो हो गया कि एक अलग ही वे था उनको देखने का, समझने का। जो वहाँ के वहीं रहे होंगे वही बता सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे हो और कितना डरावना सीन होगा वो। ठीक है, डेंजरस सीन, बिल्कुल ही शॉकिंग वाला। जब उन्होंने देखा, सोचा, समझा, तो वो तो वैसे ही भाई डरे हुए थे, और ऊपर से जो दो तीन मेंबर जो उधर ही रह गए थे वो तो समझ लो उनका भी, वो भी लापता हो गए, उनका भी पता नहीं चला। ठीक है, तो जब फाइनली उसके अंदर आग लगी, तो अचानक क्या हुआ कि वो सारे के सारे भाई, वो जहाज जो भी था मिस्टीरियस वाला, वो सारा डूब गया, वहीं की वहीं समुंदर उसको निगल गया। ठीक है, तो भाई वो जो जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो इतने डर गए थे उस टाइम पे उनको देख के, क्योंकि उनके हमारे खुद के जो भी उनके क्रू मेंबर्स थे वो भी वहाँ पे फंस गए थे, और वो भी अब मतलब शहीद हो ही गए थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। और जब वो उसके अंदर डूब गया तो एक मैसेज जारी हुआ कि यहाँ इस एरिया के अंदर कोई नहीं आएगा, कोई भी शिप अब यहाँ से नहीं गुजरेगी, क्योंकि ये एरिया हो गया है रिस्ट्रिक्टेड। तो गवर्नमेंट ने भी उसको रिस्ट्रिक्शन एरिया पर लगा दिया कि हाँ अब इधर से कुछ नहीं गुजरेगा, थोड़ा साइड से होकर गुजर जाएंगे लेकिन इस वे को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इस घटना को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, और भाई वो उसको पागल हो गए कि हाँ ये एक भूतिया जहाज है, उसका नाम भी दे दिया। और ये रियल स्टोरी है, मैं कोई लॉजिकल अनलॉजिकल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये एक रियल स्टोरी है। ठीक है, जो वहाँ के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने इसका नाम भी दिया। ठीक है, आप जाके चाहे तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नेम है द SS ओरेंग मैडोन के नाम से इस जहाज का नाम दिया गया, और जो वहाँ के जो मतलब जो आसपास के निवासी थे उन्होंने इसको अलग ही नाम दिया, भूतिया जहाज। ठीक है, तो वो उनके लिए शॉकिंग था, और हालांकि सबके लिए ये शॉकिंग रहेगा ही, ऑब्वियसली बात है, एकदम से ऐसे ऐसे SOS आना। ठीक है, SOS में ये लिखा हुआ होना कि सारे जो भी जहाज के कर्मचारी थे, क्रू मेंबर्स थे, सबकी मौत हो गई है, सबकी लाशें हैं, और वहाँ जाके जब चेक कर रहे हैं तो सीरियसली वहाँ पे लाशें मिल रही हैं, ऑब्वियसली बात है, और ऊपर से उनके बॉडी पर कोई भी ना तो चोट है, ना तो जख्म है, ना ही कोई ऐसी इंजरी है, ठीक है, कि जिससे वो पता लगा सकें कि हाँ इनके साथ कुछ हुआ है। फिर दूसरा ये कि वो जब वो अपने उस चेक करते करते बॉयलर सेक्शन के अंदर पहुंच रहे हैं तो उनको ठंड लग रही है, ये भी अलग ही फील था उनके लिए, शॉकिंग था, शॉकिंग न्यूज़ थी। फिर जब वापस आने लगे, जब अपने जहाज पे जाने लगे, तो ऑब्वियसली बात है जब स्मोक निकलने लगा, धुआं निकलने लगा, और जब वो पहुंच गए अपने जहाज पे तो एक विस्फोट होना, आग लगना। ठीक है, ये सब एक शॉकिंग न्यूज़ ही था उनके लिए। शॉकिंग क्या, ये तो घटना ही एक मिस्टीरियस बन गई उनके लिए, सभी के लिए, जितने भी जो क्रू मेंबर्स थे वो आज तक इस बात को भूल नहीं पाए हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो नहीं भूल पाए हैं, बाकी 1947 की बात है, अब तो 2021 चल रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो मतलब ये जो नाम है सेस मैडोन, ये बस एक कहानियों के अंदर ही रह गया है, बाकी ये काल्पनिक घटना थी। कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं, कुछ इसे सच मानते हैं, जिन्होंने देखा है वो सच मानेंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो इसे काल्पनिक ही तौर पे ही मानेंगे। ओके, तो नाउ जो हम हैं, हम क्या कर रहे थे, अब हम आर्ट बना रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है आप कुछ सीख ही रहे होंगे इसके अंदर भी, तो इसका एंजॉय करिए। ठीक है, मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप बोर भी ना हो, क्योंकि मेरी स्टोरी तो इतनी सी थी तो ख़त्म हो चुकी है।
जो अनदर स्टोरी आएगी वो अनदर पेंटिंग पे आएगी, और ये पेंटिंग उसी से रिलेटेड ही है। ओके, तो कोरिलेट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, बिगनर्स के लिए और इंटरमीडिएट के लिए एक अलग ही लेसन है, आप सीखिए, ठीक है, समझिए और आर्ट को एंजॉय करिए। विषम स्टोरी ये मेरा एक न्यू पार्ट है, पैटर्न आ रहा है जो इस चैनल पे आएगा। जो भी अगर देख रहा है, ठीक है, वो इसको अच्छा लाइक करेगा शायद, आई थिंक सो, आपको अच्छा लगे, होप सो। ओके, तो देखिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। ओके, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इन्जॉय करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, अगर यहाँ तक बने हैं और इस पे आए हैं इस चैनल पे और कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ एंटरटेन हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वरना देख लेना आगे से स्टोरी नहीं मिलेगी। ओके, चलो फिर, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।